जुड़ी केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में बुधवार को बैंक कर्मी हड़ताल पर रहे। इसमें राष्ट्रीयकृत बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कर्मचारी शामिल रहे। एक दिवसीय हड़ताल की वजह से बैंकों में दिन भर काम नहीं हुआ, साथ ही हड़ताल की वजह से करोड़ों रुपए का लेन देन प्रभावित रहा। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के संयोजक मोहन कृष्ण शुक्ला ने बताया कि कर्मचारी अधिकारी सुबह 10:30 बजे सांठा बाजार स्थित बैंक ऑफ इंडिया के सामने इकट्ठा हुए, जिसके बाद पहले प्रदर्शन किया गया। इसके बाद बैंक कर्मी ने रैली निकाली, जो सांठा बाजार से शुरू होकर बौरा बाजार, बड़ा सराफा, पीपली बाजार, बर्तन बाजार होते हुए बजाज खाना चौक पहुंची। फिर कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी ने सभा को संबोधित किया। आप लोगों की क्या मांग है? आगे वाले मांग पूरी नहीं होती, किस तरीके की उम्मीद है? बैंकों का जो निजीकरण किया जा रहा है, बैंकों जो बेचा जा रहा है, डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, वो सबके खिलाफ है। बैंकों का मर्जर किया जा रहा है, इससे जनता की परेशानियां बढ़ रही हैं। उसके जनता के ऊपर जो चार्जेज लगा गए हैं, उसका हम विरोध करते हैं। जनता परेशान है, बैंकिंग जो बराबर तहस नहस होता जा रहा है, इसके विरोध में हमने आज की हड़ताल की। आगे भी हड़ताल जारी रहेगी क्या? अगर आज की हड़ताल कोई ऐसा नहीं होता है, निश्चित तौर पर 2-3-4 दिन हो सकता है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी विचार किया जा सकता है।